हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था होमोजीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। आज सीखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसका भी क्वेश्चन 100% परीक्षा में पूछा जाता है, 5 या 8 नंबर में। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम पहचानें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसका सलूशन क्या होता है, उसके बाद आगे देखेंगे। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हमारी दो टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप हमारा ये है, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है dy/dx + py = q। अगर इस फॉर्मेट में लिखा है, यहाँ पर जो p और q है फंक्शन ऑफ x है, यानी x के फलन है। यहाँ पर p और q x के फलन है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर if का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e power integration pdx। उस समय सोल्यूशन क्या होता है इक्वेशन का, यानी समीकरण का हल क्या होता है, y integrating factor = q (integrating factor dx + c). और जो सेकंड टाइप की इक्वेशन होती है वो हमारी ये लिखी हुई है। तो सेकंड टाइप की हमारी इक्वेशन क्या है, सेकंड टाइप की इक्वेशन हमारी है dx/dy + px = q। यहाँ पर p और q जो है ये फंक्शन ऑफ y है, यानी y के फंक्शन होते हैं। समीकरण का हल उस समय क्या होता है, x integrating factor = q integrating factor dy + c। तो ये दो टाइप की हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक, पहचानने का तरीका क्या है, पहचानने का तरीका ये है कि अगर हमारी इक्वेशन भाई सेपरेट वाली नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, ठीक, तो लीनियर होगी। अब लीनियर में कौन सी टाइप की होगी, तो हमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन देखनी है। अगर पूरी इक्वेशन में केवल एक जगह y लिखा हो, y की कोई पावर ना हो, y का कोई अदर फंक्शन ना हो, तो फिर वो फर्स्ट टाइप की होगी। क्योंकि इसमें देखो एक ही y लिखा है, बाकी कहीं भी y नहीं आएगा, ये x के फंक्शन होंगे कोई भी। अगर पूरे में एक जगह x लिखा है, x का ना कोई अदर टर्म है, ना x की कोई पावर है, और ना ही x का कोई और फंक्शन है, तो वो सेकेंड टाइप की होती है। ठीक, सेकेंड टाइप की होती है, हमें ये समझ लेना है देख कर इक्वेशन से, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाकर कंपेयर करके और फिर आके सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है, 1 + x²(dy + 2xy)/dx = cot(x)/dx। तो हम पहले ये समझते हैं कि ये सेपरेट वाली तो नहीं है, तो भाई यहाँ पर x और y को अलग अलग करने का प्रयास करो, अगर हो जाता है तो सेपरेट होगी, लेकिन नहीं हो रहा है इसका मतलब कि सेपरेट नहीं है। तो होमोजीनियस चेक करो, हर एक टर्म में एक्स वाई की कंबाइंड पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ एक्स वाई की कोई पावर नहीं है, यानी जीरो, यहाँ एक्स वाई दो पावर हो गई, तो पावर तो चेंज हो गई ना, इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। तो कौन बची, लीनियर। अब लीनियर में कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप या सेकेंड टाइप, तो पूरी इक्वेशन में देखते हैं कौन एक जगह है, एक्स या वाई। तो पूरी इक्वेशन में एक जगह कौन दिख रहा है, वाई, क्योंकि एक्स के तो ये देखो अदर फंक्शन भी है और एक्स की पावर भी है, यानी ये फर्स्ट टाइप की हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब अगर फर्स्ट टाइप की है तो भाई वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, dy/dx। तो dy/dx पहले बनाओ, तो यहाँ पर dy तो है लेकिन dx नहीं है, तो dx डिवाइड में आना है, dx से पूरी इक्वेशन डिवाइड करना, तो पूरी इक्वेशन dx से डिवाइड करनी है। अब dy/dx के साथ कौन टर्म आता है, y, जिसमें y होता है, ठीक, तो y वाला टर्म ये है, ठीक, इक्वल में जो भी टर्म होता है। अब dy/dx के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या है, 1 + x² से डिवाइड कर, तो dy/dx + 2xy/1 + x² = cot(x/1 + x²). तो देखो dy/dx + py = q, ये जैसे बन गई, अब कंपेयर कर दो, तो लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग विथ dy/dx + py = q। तो देखो जो भी y के साथ होता है विद साइन ऑफ p होता है, y के साथ यहाँ क्या है, 2x/1 + x², तो p
बी हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो इक्वल में होता है वो पूरा का पूरा क्यूब होता है, तो ये क्यूब हो गया। ठीक है, मेन काम हमारा यहाँ तक जाता होता है, यानी इतना हमें बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता है। अब हमारा काम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना और जो सोल्यूशन है उसमें वैल्यू रख देना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन कोई करके दिखाना जरूरी नहीं है, हम यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन में प्लस ही यहाँ पर नहीं है पावर में। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना, 2x dx मिल गया, तो 1 अपॉन t dt बना, 1 अपॉन t का log t, यानी e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब समझो अगर e की पावर में log लिखा है और उसके आगे कोई साइन नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो e और log ये दोनों हट जाते हैं, क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सोल्यूशन क्या होगा हमारी इक्वेशन का, तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो इक्वेशन का सोल्यूशन पहले लिखो, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर दें, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू कितना है cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस प्लस सी, तो ये फॉर्मूले में हमने जो है वो वैल्यू पुट कर दी। ठीक, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा कॉट एक्स, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग साइन एक्स, बस हमारा आंसर आ गया। तो वाई ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल लॉग साइन एक्स प्लस सी, आया समझे। तो इस तरीके से जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, ये नीचे का दिख रहा है, ये नीचे का सलूशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है dy dx minus 3 by cot x equals sin 2x at x equal pi by 2 y equal 2, यानी हमें यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन बताता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिए dy dx plus p y equal q, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सीधे इसकी कंपेयर कर देनी है। तो कंपेयरिंग विथ dy upon dx plus py equal q से कंपेयर कर दो, तो देखो पूरे में एक जगह fy लिखा है ना, यानी ये फर्स्ट टाइप है, तो p के साथ जो भी लिखा है वो हमारा जो सॉरी जो y के साथ लिखा है वो पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा p हो गया। तो y के साथ लिखा है minus 3 cot x, ये p हो गया, q जो इक्वल में लिखा है sin 2x, लगा फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx माइनस 3, अभी लिखा था cot x का इंटीग्रेशन sin x। अब हमने बताया कि अगर e की पावर में log लिखा है तो log से पहले कोई नंबर या साइन नहीं होने चाहिए, तो e और log हट जाता है, लेकिन यहाँ पर तो है, तो क्या करना है log की कंडीशन से ये माइनस 3 पावर में ले। ठीक, तो ये हो गया e upon log साइन x की पावर माइनस 3, तो e और log हट गया, साइन x की पावर माइनस 3 को क्या लिखेंगे 1 upon साइन x का होल क्यूब, ये हमारा क्या गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सोल्यूशन जो होता है उसमें वैल्यू रख दो, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस
ये फॉर्मूला जो था वो हमने यूज कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यानी इंटीग्रेट करेंगे। इतना समझ में आ गया, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो अब आगे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया वाई अपॉन साइन क्यूब एक्स, यहां पर साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, वन अपॉन साइन एक्स का होल क्यूब डी एक्स प्लस सी। ये साइन एक्स के एक और एक्स, तो वाई अपॉन साइन क्यूब एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ठीक। अब क्या करें, तो अब भाई साइन एक्स डी मानते हैं, मतलब लेट साइन एक्स बराबर डी, तो क्या मिल गया कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी डी। तो ये हो गया वाई अपॉन साइन क्यूब एक्स इक्वल टू, ये तो हो गया डी डी, और ये हो गया वन अपॉन टी स्क्वायर। तो वन अपॉन टी स्क्वायर का क्या आता है, माइनस का वन अपॉन टी, तो माइनस का टू अपॉन टी यानी साइन एक्स प्लस सी, ठीक। अब साइन क्यूब एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो वाई बराबर माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन क्यूब एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। इक्वेशन फर्स्ट इसलिए बनाई है क्योंकि अभी हमें आगे जो है वो वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसलिए हमने जो है वो इक्वेशन फर्स्ट बनाई है। सी की वैल्यू अभी हमें निकालनी है, सॉरी यहाँ पर प्लस आया अपना सी निकाली है। अब सी की वैल्यू निकालनी है क्योंकि एक्स की वैल्यू 5/2 और वाई की वैल्यू 2 पर जो है वो हमें सी की वैल्यू निकाल के तब इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाना है, ठीक। इतना समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब जो है वो इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू 5/2 और y के लिए 2 रखते हैं, तो माइनस टू साइन स्क्वायर 5/2 प्लस सी साइन क्यूब 5/2, साइन 5/2 क्या होता है 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट कर दो, तो y पर आया माइनस टू साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन क्यूब एक्स, ये हमारा जो है ये फाइनल सोल्यूशन हो गया, ठीक। ये दो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे अब हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया, अगर किसी को किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो समस्या अपनी दूर कर सकता है। कोई पर्टिकुलर जगह ना समझ में आया हो, पर्टिकुलर टाइप का कोई वीडियो चाहिए हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई इक्वल वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है, तो पूरी इक्वेशन में एक जगह या तो एक्स होगा या तो वाई होगा। कौन है, पूरी इक्वेशन में एक जगह एक्स है, इसका ना कोई अदर टर्म है और ना ही कोई पावर है, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकेंड टाइप है। अब अगर सेकेंड टाइप है तो होता क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, इस टाइप का होता है। तो हम इस टाइप का सेपरेट करें, तो dx अपॉन dy होता है, तो dy से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दो, तो tan इनवर्स y माइनस एक्स इक्वल वन प्लस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy। अब dx अपॉन dy के साथ वो टर्म होगा जिसमें सिंगल x होगा, तो सिंगल x ये है, इसको उधर ले दो, उसके बाद dx अपॉन dy के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अब dx अपॉन dy के साथ 1 प्लस y स्क्वायर है, तो ये नहीं होना चाहिए, इससे डिवाइड करें पूरी इक्वेशन को, तो dx अपॉन dy प्लस x अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा उस टाइप का हो गया, अब इसे कंपेयर कर ले, तो कंपेयरिंग विद, ये हमको लिखना जरूरी है, कंपेयरिंग विद डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू,
तो जितना भी x के साथ है वो p है, तो x के साथ क्या है 1 upon 1 plus y square, और equal में जितना है वो q है, tan inverse y upon 1 plus y square। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रेशन p dy, e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 1 plus y square dy, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ये हमको मिल गया e की पावर tan इनवर्स y। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो इक्वेशन का सलूशन यानी समीकरण का हल, तो समीकरण का हल क्या है, तो सलूशन हमारा होता है x इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रखें। तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर tan इनवर्स y इक्वल q tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस tan इनवर्स, सॉरी e की पावर tan इनवर्स y dy प्लस c। अब हमारा काम है इंटीग्रेट करने का, तो इंटीग्रेशन यहां पर जो है वो सब्स्टिट्यूशन बना। सबसे पहले देखो tan इनवर्स y को हम t लेट करेंगे, डिफरेंशिएट किया, ठीक, तो ये हो गया x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल, देखो tan इनवर्स y के लिए t लिख दो और dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर के लिए dt लिख दो। एक चीज यहां पर और ध्यान रहे कि जो हमारा फंक्शन है जिसमें इंटीग्रेशन जिसमें कर रहे हैं केवल उसी में हम t रखेंगे, यानी tan इनवर्स y को t लेट किया है लेकिन केवल इस टर्म के लिए, इसमें मत t रख देना वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें बाय पार्ट इंटीग्रेट करेंगे यानी खंडसा, आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, लगाओ बाय पार्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t dt प्लस c। तो x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल t e की पावर t माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन यही रहेगा। ठीक, बस अब t की वैल्यू वापस कर दो, हमारा आंसर कंप्लीट। x e की पावर tan इनवर्स y बराबर, यहां e की पावर t कॉमन लिया और t की वैल्यू tan इनवर्स y, यहां बचा t माइनस 1 और t की वैल्यू tan इनवर्स y माइनस 1 और प्लस c, ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, तो अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करें ताकि क्वेश्चन कैसे भी आते हैं हम उसको लगा सकें। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x plus y dy upon dx equal 1। ठीक, देखो सेपरेट हो नहीं सकता है क्योंकि x y अलग हो नहीं सकते हैं, बताया हमने कि dy या dx या dy upon dx के साथ ब्रैकेट में अगर x तो y दोनों है तो कभी भी अलग नहीं हो सकता है। ठीक, तो सेपरेट है नहीं, होमोजीनियस है नहीं, यहां पावर 1 यहां पावर 1 लेकिन यहां पावर 0। ठीक, तो फिर कौन बचा, लीनियर। अब लीनियर को हमने पहचानने का तरीका बताया कि पूरी इक्वेशन में एक जगह x होना चाहिए, ना कोई x का अदर कोई फंक्शन हो और ना ही कोई पावर हो, और यही कंडीशन y की बताई। अब इसमें तो दोनों आ गए भाई, x भी एक ही जगह है और ना ही कोई x का अदर फंक्शन है और ना ही कोई x की पावर है, और यही सिचुएशन तो y के साथ भी है, y की लीनियर है, y की भी अदर कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब अब हम इसमें देख के नहीं बता पा रहे हैं कि ये लीनियर में कौन सा टाइप है। ठीक, नहीं देख के बता पाए तो कोई बात नहीं, हम मान ले फर्स्ट टाइप है, तो अगर फर्स्ट टाइप है तो dy अपॉन dx होना चाहिए। ठीक, dy dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन x plus y। तो अगर ये फर्स्ट टाइप है तो ये होता है, यानी कुल मिला के मिनिमम तीन टर्म होते हैं, dy dx का और सिंगल y का और जो भी बाकी बचा, तो भाई dy dx है, अब y वाला टर्म इधर होना चाहिए, अब इस y के टर्म को इधर लेकर आओ, कहां लेकर आ पाएंगे भाई, ये तो 1 upon x plus y पूरा एक टर्म हो गया, ये इधर अकेले ही आएगा, y अलग नहीं होगा, इसका मतलब फर्स्ट टाइप नहीं है, तो फिर सेकंड टाइप होगा, और सेकंड टाइप है तो dx upon dy होगा, पलट दो dx upon dy,
पलट दिया दोनों तरफ। अब अगर dx अपॉन dy है तो इसके साथ x वाला टर्म होगा जिसमें x है सिंगल, तो भाई ये x है सिंगल, इधर ले आओ, देखो बन गया सेकंड टाइप, कंपेयर कर दो, तो कंपेयरिंग विद dx अपॉन dy प्लस px बराबर q, तो p कितना जो x के साथ, q कितना जो इक्वल में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dy, तो e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू, तो e की पावर माइनस वन और dy का y, ठीक, e की पावर माइनस y ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, ठीक, इक्वेशन का सलूशन, तो सलूशन क्या होगा x इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। देखो फिर ये क्वेश्चन वैसे ही बन गया जैसे अभी हम लोगों ने लगाया था, बाई पाल ये फर्स्ट ये सेकंड, x e की पावर माइनस वाई पहला ऐसी दूसरे का इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस e की पावर माइनस वाई, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो y का डेरिवेटिव वन और सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर इंटीग्रेशन x e की पावर माइनस वाई माइनस वाई e की पावर माइनस वाई, ये माइनस माइनस प्लस और e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन अगेन माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस, ठीक। अब e की पावर माइनस वाई से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दो, तो e की पावर माइनस वाई से डिवाइड कर रहे हैं ना, यही तो आया, ये दोनों टर्म इधर ले आओ, तो x प्लस वाई प्लस वन और ये ऊपर ले जाओ e की पावर वाई, फाइनल आंसर हमारा आ गया। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, तो ये हमने चार क्वेश्चन बताए जो कि हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के थे, चारों क्वेश्चन अलग अलग तरीके के थे और चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ये सारे वही क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में आए, तो अगर इतने क्वेश्चन हम तैयार कर लेते हैं जितने सीट में दिए गए हैं तो आसानी से हम सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो ये हमारा पिछला जो वीडियो था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और ये जो वीडियो है वो हमारा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर इसको तैयार कर लेंगे तो 100% दो क्वेश्चन हमें बोर्ड परीक्षा में लॉन्ग में मिलेंगे, ठीक। आगे आने वाले और भी वीडियो जो है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी टॉपिक है उन सभी के वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में है, बहुत सारे पहले के वीडियो है और बहुत सारे जो है वो अपलोड किए जाएंगे, तो लगातार बने रहेंगे, तो जितने भी क्वेश्चन है उस पर हम अच्छी कमांड कर पाएंगे। अभी भी एक महीने का समय है, लगातार पर डे प्रैक्टिस करें, यानी पर डे क्वेश्चन लगाएंगे तो ही काम चलेगा, और जो क्वेश्चन 100% आने हैं परीक्षा में उन पे तो कमांड बहुत अच्छी कर ही ले, और कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पता कर सकते हैं, ओके थैंक यू। एक क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रह गया था, उसको जरा देख लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन और है, ठीक, अभी बताएंगे कौन सा क्वेश्चन है, ठीक। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये 2022 में पूछे गए हैं और ये एनसीईआरटी में नहीं है भी नहीं, और जो तरीके एनसीईआरटी में उस तरीके का भी नहीं है, यानी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेकिन अभी बनेगा नहीं, थोड़ा इसे सेपरेट करना पड़ेगा। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसे पता चलेगा, अभी देख के हमें जान पाएंगे, क्योंकि वाई एक जगह है नहीं, एक्स एक जगह है नहीं, लेकिन है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप समझो ध्यान से, ये dy / dx लिखा है, तो अगर dy / dx है तो भाई इस तरीके का टर्म होना चाहिए, ये x के टर्म होने चाहिए p और q, y एक जगह हो, तो देखो ये तो y एक जगह है लेकिन ये एक्स्ट्रा y स्क्वायर आ गया, अगर ये किसी तरह से हट जाए काम चल जाएगा, तो ये y स्क्वायर है, y स्क्वायर से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 1 अपॉन y tan y बराबर sec x, इतना हो गया। अब इतने को t मान लो, तो देखो 1 अपॉन y इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन y स्क्वायर dy / dx बराबर dt / dx, भाई x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ऊपर ले जाओगे y की पावर माइनस 1, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 1 y की पावर माइनस 2 और dy dx, ठीक। देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस dt / dx और 1 अपॉन y को क्या लिखा था, t इंटू टेन एक्स बराबर सेक एक्स,
अब ये निगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये जब निगेटिव नहीं होता है, माइनस टी इंटू टेन एक्स बराबर माइनस का सेक एक्स। अब देखो ये इस टाइप का बन गया, बस फर्क इतना है कि यहां पर y की जगह कौन है, t, तो बस दिमाग में रखना है फर्स्ट टाइप है लेकिन y की जगह t है, तो इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे। किससे कंपेयरिंग करेंगे, dt अपॉन dx प्लस pt बराबर q। देखो हमने क्या कहा, केवल तुमको y की जगह जो है वो t ध्यान रखना है। चलो कंपेयर करो भैया, तो P क्या है, तो T के साथ है, तो T के साथ क्या है, माइनस टेन एक्स, तो P हो गया माइनस टेन एक्स और जो बराबर में है वो Q हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फर्स्ट टाइम, E की पावर इंटीग्रेशन P dx, E की पावर इंटीग्रेशन P की वैल्यू माइनस टेन एक्स dx। अब देखो माइनस टेन एक्स है इसलिए इसका इंटीग्रेशन माइनस वाला यूज कर दो, माइनस log cos x, माइनस पहले से प्लस हो गया, e की पावर log cos x, तो ये क्या जाएगा cos x। अब सलूशन, तो सलूशन समीकरण का हल क्या होता है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी y नहीं लेंगे, क्या लिखेंगे, t, t इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, है ना, y के लिए क्या है, t है, बस ये दिमाग में रखो, तो t इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया cos x, q क्या है माइनस का sec x, ये क्या आया cos x dx प्लस c, t cos x माइनस sec को क्या लिखेंगे, वन अपॉन cos x इंटू cos x dx प्लस c, ये कैंसिल, t cos x बराबर माइनस dx बचा, dx का इंटीग्रेशन x। अब t की वैल्यू वापस कर दो, क्या थी, वन अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर आ गया कॉस एक्स बराबर माइनस एक्स वाई प्लस सी वाई, चाहो तो इधर ले आओ, तो कॉस एक्स प्लस एक्स वाई बराबर सी वाई, ये हमारा क्या आ गया फाइनल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन सिलेबस में नहीं था लेकिन 2022 में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में आ चुका है इस हिसाब से जरूर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी के जैसा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको ऐसे ही सॉल्व करना है, हम केवल हिंट दे देंगे बाकी लगाना अपने आप है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक हो गया। चलो देखो तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के जैसा, क्योंकि दो क्वेश्चन एक जैसे पूछे गए हैं तो उसको हम केवल हिंट दिए दे रहे हैं ताकि लगा लें। तो वो क्वेश्चन है x dy dx प्लस y बराबर x की पावर 3 y की पावर 6, इसमें भी y की पावर 6, पहले तो x से डिवाइड कर दो, अब y की पावर 6 से डिवाइड कर दो, ठीक बस, अब इसको t मान लो, ये वाला मिल जाएगा बिल्कुल वैसे ही लगाता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, तो इन पे कमांड जरूर करें, ओके, थैंक यू।